गल करदे आ किसानां नाल जुड़ी हुई खबर दी। अंदोलनकारी किसानां दे उपर हरियाणा सरकार जिहड़ी है एक तो बाद एक कारवाइयां करन तों टल नहीं रही है। खट्टर सरकार सख्ती लगातार कर रही है। हुण अंबाला विच रोड जाम करन वाले 400 किसानां दे उत्ते FIR दर्ज कर दित्ती गई है। अंबाला दे अंदर करनाल च होए लाठीचार्ज दे खिलाफ अंबाला च किसानां ने हाईवे जाम कीता सी, परसों कीता सी, ते हुण इन्हां दे उपर FIR दर्ज कर ली गई है। करनाल दे विच सड़कां रोकण लई CM खट्टर ते भी केस दर्ज करन दी किसानां ने करनाल दे विच सड़कां रोकण लई CM खट्टर ते भी केस दर्ज करन दी मांग कीती है। हालांकि इह प्रशासन दे हत्थ विच है कि किस दे उपर केस दर्ज करना है। अंबाला दे विच रोड जाम करन वाले 400 किसानां दे उत्ते FIR दर्ज कर ली गई है। पहला करनाल दे विच किसान जिहड़े रस्ता रोक रहे सन मुख्यमंत्री दा, उन्हां दे नाल बुरी तरीके नाल लाठीचार्ज की गई, सिर पाड़ दिते गए। कईआं दे SDM कहिंदे होए नज़र आए सन कि इन्हां दे सिर पाड़ दिओ। तो उस तो बाद कल जिहड़ी है किसान की मौत की भी खबर आ गई, बहुत जिहड़ी है दुखदाई खबर सी, पर कारवाइयां रुक नहीं रहीआं ने। हुण अंबाला विच 400 किसानां ते FIR दर्ज कर ली गई। किसान FIR दे कोई डरने वाले नहीं है। जो पहले तो CM के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उन्होंने करनाल रोड जाम कर रखा, ट्राले लगा रखे थे, उससे बाद SDM के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किसानों के ऊपर डंडे मारे हैं, उसके बाद किसानों पे कर लो। तीसरा नंबर किसानों का है, फर्स्ट में तो CM का नंबर है, उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। किसान तो बाद में जब उन्होंने किसानों का डंडे मारे, जब हमने रोड जाम किया अपने किसानों को छुड़वाने के लिए, हमारी गलती क्या है? हमारी तो मजबूरी है। 28-8 को नेशनल हाईवे शंभू बॉर्डर पे लोग किसानों द्वारा 450 किसानों द्वारा रोड को बंद किया गया था। उस संबंध में FIR नंबर 163 दर्ज की गई है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने लोगों पर FIR? 450 किसानों के ऊपर FIR। तो हुण अंबाला विच FIR दर्ज कर ली गई है किसानों के उत्ते, इस करके कि इन्होंने करनाल दे विच किसानों ते होए लाठीचार्ज के विरोध में अंबाला च हाईवे जाम किया, इस करके इत्थे 400 किसानों के उत्ते FIR दर्ज की गई है। तो खट्टर सरकार जिहड़ी है वो लगातार एक तो बाद एक कार्रवाइयां कर रही है। अज मुख्यमंत्री का बयान आया सी कि कार्रवाई जिहड़ी है पुलिस अपनी करेगी, जे कोई किसान जिहड़ा है सड़क रोकेगा तो उसके उपर कार्रवाई की जाएगी, इस उन्होंने जायज़ किया सी। हालांकि जी SDM के शब्दों के उपर उन्होंने कहा कि हाँ शब्द उन्होंने ठीक नहीं सी, पर कार्रवाई सही दस्या सी। कृष्ण बाली मेरे सहयोगी अंबाला तो साडे नाल जुड़ गए हैं। कृष्ण बाली, जानना चाहवांगे 400 किसानों से FIR दर्ज की गई, की कुछ डिटेल है इस FIR की, कुछ पता लग्या तो किसानों का जिहड़ा बयान असी वह भी सुनिया? हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने किसानों का भी बयान सुना, हालांकि आपने भी इसमें SHO की भी बयान सुना होगा। SHO ने इस बात की पुष्टि की है कि अंबाला में जो शंभू हाईवे को जाम किया गया था, अंबाला दिल्ली हाईवे को जाम किया गया था, उस समय 5 घंटे तक अंबाला में जाम लगा रहा, जिसको लेकर पुलिस ने उसको रास्ते काफी जगह से डाइवर्ट भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक काफी परेशानी थी। उसको लेकर अंबाला पुलिस ने 400 से ज्यादा किसानों पर मामले दर्ज कर दिए हैं। हालांकि किसान इसमें स्पष्ट रूप से किसानों का भी ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो करनाल में जो सड़कें जाम की गई थी उसको लेकर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर पर भी मामला दर्ज हो, साथ ही उसने SDM ने वहां पर ये आदेश किए थे लाठीचार्ज करने के लिए, सबसे पहले उस पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। जी बलविंदर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। खास तौर के उपर हम किसान भी कह रहे हैं कि तुसी पहला मुख्यमंत्री दे उपर FIR दर्ज करो जिन्हां ने रस्ता रोकवाए सन, ते उस SDM ते कार्रवाई करो जिसने डांगा वराइया सन, उस तो बाद तीजा नंबर साडा आएगा।